वेलकम टू एडी स्मार्ट क्लासेस में आप सभी दोस्तों का स्वागत है। और आपके लिए एक मैथ का बढ़िया चैप्टर लाया गया है, नंबर सिस्टम, जो आपके लेटेस्ट में जो भी एग्ज़ाम्स हैं, जैसे आपका पुलिस का हो गया, बिहार पुलिस हो गया, एसएससी जीडी के हो गया, आरपीएफ की जो वैकेंसी निकली है उसके लिए, एमटीएस के लिए, एसएससी के आल एग्ज़ाम्स के लिए ये टेस्ट सीरीज आपके लिए बहुत लाभदायक है। और इन ये जो क्वेश्चन आए हुए हैं कहीं ना कहीं पेपर में, और आपको फ़ायदा ये रहेगा कि आपको प्रॉपर हमारी जो इस वेबसाइट के ज़रिए आपको फ्री आपको मैथ की क्लासेस मिलती रहेंगी। मैथ की क्लासेस के साथ में और भी हमारे पास जो हिंदी क्लासे हैं, जीएस की क्लासे हैं, सारी क्लासें आपको इसी पे टेलीग्राम चैनल पे और उस पर मिलती रहेंगी आपको। तो हम लोग बढ़ते हैं एक अच्छे क्वेश्चन की तरफ और देखते हैं। सबसे पहले एक क्वेश्चन दिया गया है, मेरे पास एक्स गोलियां हैं, मेरे बड़े भाई के पास मेरे से तीन अधिक गोलियां हैं, जबकि मेरे छोटे वाले भाई के पास मेरे पास से तीन कम गोलियां हैं। यदि गोलियों की कुल संख्या 15 हो तो मेरे पास गोलियों की संख्या कितनी है, ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया है। तो बेटा इसमें सबसे पहले हम लोग जो करते हैं क्वेश्चन को बहुत आसान तरीके से करते हैं। जैसे सबसे पहले मेरे पास एक्स गोलियां हैं, ठीक। अब मेरे बड़े वाले भाई के पास एक्स प्लस 3 गोलियां होंगी और मेरे छोटे वाले भाई के पास एक्स माइनस 3 बराबर यहां से 15। अब बेटा यहां से देखिएगा, जब हम लोग निकालेंगे इसको, ये 3x बराबर 15 के यहां से बेटा काटेंगे तो एक्स बराबर हमारे पास निकलेगी 5। मतलब मेरे पास 5 गोलियां होंगी जो आपके पांच गोलियां होंगी जो आपका बी नंबर ऑप्शन सही है। और गुणनफल मतलब 2467 की पावर 137 इंटू 341 की पावर 727 यूनिट अंक क्या होगा। तो जब भी बेटा ऐसे कभी क्वेश्चन आते हैं, जब आप हमारी ऑफलाइन क्लास में पढ़ेंगे तो इसमें हम सारी चीज़ें ये सब डिटेल में बता देते हैं कैसे क्या करना है। सबसे पहले आप देखिएगा कि यहाँ पे जो ये पावर दी गई है, ये जो पावर दी गई है, इस पावर में हमेशा हम लोग 4 से भाग देते हैं। कितने से भाग देते हैं? 4 से भाग देते हैं और इस डिजिट का लास्ट अंक ले लेते हैं। तो लास्ट अंक हमने ले लिया कितना, 7। यहाँ पे आपका गुणे का चिन्ह लगा है, वो लगा लेंगे। सबसे पहले देखेंगे इसमें जब 4 से भाग देंगे तो यहाँ से कितना शेष बचेगा रिमाइंडर में, 4 से 12 होता है बेटा, बचा 3, फिर 4×32 मतलब 1 बचेगा। इसकी पावर मतलब 7 की पावर 1 लिखी जाएगी, मतलब इसका इकाई अंक 1 आएगा। अब बेटा इसमें जो हमारे पास ये 1 लिखा गया है, एक की पावर चाहे जितनी लिखी हो, आपके पास एक 0, 1, 5, 6 ये नंबर सिस्टम में इनके अंक में पावर चाहे जितनी लिखी हो, इनका प्लेस वैल्यू वही आती है, सेम सेम। तो हम लोग बेटा जब इसका गुणा कराएंगे तो 7 आएगा, मतलब आपका जो सी नंबर इसमें आंसर है वो बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अब बेटा इसमें हम लोग आगे बढ़ते हैं। इसमें दिया गया है संख्याएं 1, 2, 3, 98, 99 और 100 को परस्पर गुणा किया गया जाता है, गुणनफल के दाएं ओर अंत में शून्यों की संख्या कितनी होगी। तो सबसे पहले बेटा हम लोग इसको लगाते हैं, यहाँ पे आप देखिएगा 100, और आप जानते हैं बेटा अगर हम लोग 1×2×3×4×6×7×8×9× करें तो क्या इसमें कहीं पे आपको शून्य मिल सकता है? नहीं मिल सकता है। अगर बेटा 5 के साथ में अगर 2×4×6×8× किया जाए तो शून्य मिलता है। तो ऐसे कंडीशन में बेटा हम लोग क्या करते हैं, आप लास्ट वाला अंक ले लीजिएगा 100, इसमें आप 5 से भाग दीजिएगा तो ये बेटा कितने बार में जाएगा, 5×2×10,
फिर ये संख्या उठा के आप इधर लिख दीजिएगा, फिर बेटा देखिएगा इसमें भाग दीजिएगा 5 को 20, फिर बेटा ये संख्या आप उठा के यहाँ पे लिख दीजिएगा। तो अब ये अगर संख्या डिवाइड हो रही है तो शून्य मिलेगा, अन्यथा नहीं शून्य मिलेगा। यहाँ से देखो ये संख्या डिवाइड नहीं हो पा रही है, आप क्या करेंगे इन पे ये वाले जो अंक आते हैं वही शून्यों की संख्या हो जाएगी। तो आपके पास इसमें जो दाएं ओर शून्यों की संख्या हो जाएगी बेटा वो 24 हो जाएगी। इसका एक दूसरा तरीका है बेटा अपने पास, जैसे ये लास्ट वाला अंक ले लेंगे 100, इसमें क्या करेंगे 5 लिखेंगे, फिर बेटा यहाँ पे 100 लिखेंगे, फिर इसकी पावर बढ़ा देना, तो इसका गुणा करेंगे तो 25 हो जाएगा, फिर बेटा 100 लिखेंगे, फिर यहाँ से 125 हो जाएगा। आप इस तरीके से भी कर सकते हैं अच्छी तरीके से। इसको बेटा यहाँ से काटेंगे तो ये बेटा हमारे पास 20 टाइम जाएगा। 25 को 100 होते हैं, ये संख्या नहीं कटेगी, मतलब शून्य नहीं मिलेंगे। और हमने आपको बताया है कि 24 शून्य होंगे, तो आपका ए नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, चाहे आप इस तरीके से लगाएं या इस तरीके से लगाएं। अब बेटा देखो इसमें इकाई का अंक पूछा गया है, बहुत आसान क्वेश्चन है, बस समझना समझना है। इसमें बेटा ये वाला जो लास्ट वाला डिजिट लिया गया है, इसको आप ऐसे करके लिख सकते हैं, इसकी पावर जो दी गई है इसमें 4 से भाग दीजिएगा। कितने से भाग देंगे? 4 से। तो 4 से भाग देने पे हमारे पास जो रिमाइंडर बचे, मतलब जो शेष बचे, उसमें यहाँ रख दीजिएगा। 4 से भाग देंगे, 4 पंचे 20, बेटा 3 बचेगा, 3 यहाँ आप लिख दीजिएगा। अब ये बेटा लिखा गया है मतलब 3 की पावर 2 की पावर 3, तो बेटा 2 दूनी 4 दूनी 8, मतलब इकाई अंक जो आएगा वो हमारा 8 आ जाएगा। तो इसमें बेटा सी नंबर आपका आंसर सही हो जाएगा। अब बेटा यहाँ देखो एक क्वेश्चन दिया गया है, 80 और 90 के बीच सभी अभाज्य संख्याओं का गुणनफल कितना होगा? तो बेटा 80 और 90 के बीच हमारे पास जो संख्या है अभाज्य संख्या, वो संख्याएं होती हैं बेटा जो स्वयं से भाग जाए और एक से भाग जाए। तो 80 और 90 के बीच हमारे पास जो अभाज्य संख्या मिलेगी हमको, पहले आप देखेंगे 81, 81 संख्या डिवाइड हो जाती है, फिर 82 भी आपका डिवाइड हो जाती है, आप देखेंगे 83, 83 के बाद डायरेक्ट हमारे पास एक संख्या आती है 89, 89 बेटा ये हमारे पास आ जाएगा। अब बेटा इनका गुणनफल पूछा गया है, तो आप यहाँ से हमारे पास देखो, सबसे पहले इसमें इसका गुणनखंड करेंगे तो हमारे पास आएगा 73, 87 आ जाएगा, ठीक, जो हमारे पास सी नंबर ऑप्शन में सही है। और देखो बेटा इसमें से अभाज्य संख्याओं का गुणनखंड पूछा गया था, आप इनका गुणा कराइएगा, 9 * 3 = 27 हो जाएगा, फिर यहाँ से आप गुणा कराने के बाद में 73 * 87 आपका आंसर आ जाएगा। तो आपका जो सी नंबर होगा वो बिल्कुल राइट आंसर होगा। आप बेटा देखो इसमें दिया गया है, यदि 1 की पावर 2 + 2 की पावर 2 + 3 की पावर 2, डेड डेस यहाँ तक 10 तक दिया गया है, इनका योग दिया गया है 385, 385 का मतलब ये हुआ, तो आपसे पूछा गया है 2 की पावर 2 4 की पावर 2, ये मतलब सम संख्याएं दी गई हैं। अब बेटा यहाँ से हम लोग एक देखेंगे, जैसे मान लो बेटा यहाँ से ये हमारे पास एक संख्या दी गई है, ये डैश डैश करके दिया गया है 10 की पावर, इतना इसका दिया गया है बेटा 385, 385 का मतलब ये है, इसमें बेटा एक फार्मूला हम लोग लगाते हैं n, और n+1 2n+1 अपान में 6, इस फार्मूले से ये लगाया गया है बेटा। लेकिन यहाँ पे सम संख्या दी गई है, कैसी संख्या दी गई है? सम। तो आपका यहाँ पे जो फार्मूला लगेगा बेटा वो लगेगा n, n+1 और n+2 अपान में 6, मतलब ये सम विषम संख्याओं के लिए, दोनों के लिए बेटा ये फार्मूला होता है।
तो सबसे पहले यहाँ से देखिएगा, लास्ट वाला जो डिजिट अंक है वो 20 है। कितना है बेटा? 20। तो n का मान हम लोग 20 लिखेंगे। 20 बेटा और 1 21 हो जाएगा, और बेटा 20 दो 22, n प्लस 2 लिखा गया है ना, तो बेटा यहाँ पे 22 हो जाएगा, अपान में 6 करेंगे। अब यहाँ से क्या करना है बेटा, ये 3 से काटेंगे, 3 दूनी 6, 3 सते 21, ये बेटा यहाँ से काटेंगे तो 11 टाइम में कट जाएगा। अब कुछ नहीं करना है, इन सब का आपस में गुणा करा दीजिएगा। क्या करा दीजिएगा? गुणा। तो 11 सते 77, 77 का गुणा जब बेटा हम लोग 20 में करेंगे तो हमारे पास 0, ये आपका 40, मतलब 7 दूनी 14 हो जाएगा, यहाँ से 15, 1540 जो आया है वो आपका राइट आंसर होगा। कितना होगा बेटा? 1540। ये आंसर हमारे पास किस में है? बी नंबर में। तो आप इसमें बी नंबर आप बता सकते हैं बेटा। दो संख्याओं के घनों का योग 793 है, संख्या का योग 13 है, संख्याओं का योग 13 है, तो दोनों संख्याओं का अंतर कितना होगा? अब बेटा यहाँ पे देखो, हमारे पास बहुत अच्छा क्वेश्चन दिया गया है, बस इसमें समझना है। देखो जो घन होते हैं, जैसे मान लो घन बेटा हम लोग ये 1 की पावर 3, मतलब ये क्यूब कह भी सकते हैं, ऐसे डेढ़ डेढ़ करके यहाँ तक 10 तक जाएंगे। तो इनमें से बेटा जब देखेंगे तो हमारे पास दो संख्याओं का योग दिया गया है, कितना? 13 दिया गया है। मतलब वैल्यू अगर ए स्क्वायर हो जाएगी प्लस बी स्क्वायर हो जाएगी तो इसको जोड़ने पे 13 आना चाहिए। कितना आना चाहिए? 13 आना चाहिए। तो हमारे पास अगर 10 का क्यूब देखते हैं बेटा तो 1000 होता है। तो हमें मालूम ये है कि अगर 10 संख्या ले लेंगे तो हमारे पास ये क्यूब योग से ज़्यादा चला जाएगा, है ना। तो इससे हम छोटा एक अंक लेते हैं जिससे 9 ले लें। एक संख्या हमने ले ली बेटा, 4 ले ली, और प्लस एक संख्या में 9 ले लिया, तो बेटा 4 का हमारे पास होता है 4 चौको 16 चौको 64, और बेटा इसका जो होता है वो होता है 729। क्या इनको जोड़ने पे हमारे पास 793 आ रहा है क्या? तो बेटा यहाँ से 4 और 9 13 होता है, 6 4 10, और आपका यहाँ ये 8 हो जाएगा, 8 1 9, ये बेटा जोड़ने पे हमारे पास 793 आ रहा है। हमसे बेटा पूछा गया है कि इन दोनों संख्याओं का अंतर कितना होगा। तो पहली संख्या हमारे पास 9 है, दूसरी संख्या 4 है, इनके बीच जो डिफरेंस आएगा वो 5 का आ जाएगा। कितने का आ जाएगा? 5 का आ जाएगा। तो ऐसे क्वेश्चन लगाने के लिए आपको ज़्यादा विशेष सोचना नहीं है, समझना नहीं है, बस आपको थोड़े से क्यूब और थोड़े से घन याद होने चाहिए। यहाँ से घन की बात हो रही थी तो 10 तक आपको अगर याद था तो यहाँ से आसानी से लगा सकते हैं। अच्छा, क्यूब कर दें। हाँ, तो यहाँ पे बेटा हम लोग क्या क्यूब की बात चले थे तो क्यूब करना था, ठीक है ना। तो यहाँ से क्यूब मतलब 4 का क्यूब आपका 64 होता है, 7 का आपका क्यूब 729 होता है। इन दोनों का योग बेटा इतना ही निकलेगा, संख्याओं का अंतर पूछा गया तो यहाँ पे 5 निकलेगा। तो आपको मालूम था कि ये बी नंबर ऑप्शन आपका बिल्कुल सही होगा। अब बेटा यहाँ पे देखिएगा, स्टार के स्थान पे कितना न्यूनतम मान रखा जाए कि संख्या 63 57 6 2 संख्या 8 से विभाजित हो जाए। तो बेटा देखो, डिबिलिटी वाले नियम बहुत आसान होते हैं, तो उसमें से हम लोग इसको देखेंगे कैसे क्या करना है। इसमें छोटा सा अंक लिखना है, जैसे 8 से डिवाइड होने वाली संख्याओं का जो नियम होता है कि लास्ट के 3 डिजिट अगर 8 से डिवाइड हैं तो वो संख्या डिवाइड हो जाएगी। तो सिंपल सी बात यह है कि अगर हमने यहाँ पे अगर छोटा अंक लेते हैं, 2 लेते हैं, 62 होता है, अगर इसको 8 से डिवाइड करेंगे तो ये संख्या डिवाइड नहीं हो पा रही। 1 लेंगे तो 61 हो जाएगा, आगे ये संख्या इससे डिवाइड नहीं हो रही। अगर इसमें हम 63 3 से कर देते हैं
तो यहाँ पे देखो बेटा, ये 8 से डिवाइड होने का मतलब 8 सतें 56, बेटा यहाँ से 56 आगे बचा कितना, 4, या 7 हो जाएगा, 8 9 72, ये संख्या आपकी डिवाइड हो जाएगी, मतलब आपका यहाँ से जो मान रख देंगे स्टार की जगह पे बेटा 3, वो संख्या आपकी डिवाइड कर देगी। बढ़ते हैं बेटा अगले क्वेश्चन की तरफ। देखो ऐसे क्वेश्चन आपको कहीं ना कहीं मिलते रहेंगे, आप एसएससी जीडी में भी देखेंगे इस टाइप के क्वेश्चन मिलते रहेंगे, आरपीएफ में देखेंगे क्वेश्चन मिलते रहेंगे। एक कक्षा में छात्रों की संख्या 20% बढ़ जाती है तो 66 हो जाती है, कितनी बढ़ जाती है, 20% बढ़ जाती है तो 66 हो जाती है, तो प्रारंभिक संख्या कितनी होगी, इसको हम लोग कैसे लगाएंगे बेटा। देखो जब 20% कोई भी चीज़ 100% होती है तो बेटा इसको 20% कर देंगे, ये बेटा इसके बराबर 66 है, इसका 1% करेंगे इतना आ जाएगा, और 100% कर लीजिएगा प्रारंभिक संख्या निकल आएगी। क्या निकल आएगी, प्रारंभिक संख्या निकल आएगी। ये आप यहाँ से काट सकते हैं, 20 5 100 होता है, 20 6 120 होता है, ये बेटा काटेंगे तो यहाँ से 11 टाइम में कट जाएगा, इसका गुणा कराएंगे तो 55 आ जाएगा, मतलब जो प्रारंभिक संख्या निकल के आएगी वो हमारे पास कितनी निकल आएगी, 55 निकल के आएगी। तो हमारे पास जो ऑप्शन है वो कौन सा सही है, सी नंबर ऑप्शन सही है। कौन सा ऑप्शन सही है बेटा, सी नंबर सही है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। श्रेणी 1+2+3+4+ करके 1998 1999 करके यहाँ 1000, इनका योग पूछा गया है। तो इसमें एक छोटा सा हम लोग फार्मूला लगाते हैं बेटा कि n+1 अपान में 2, फार्मूला भी ना लगाएं तो भी एक तरीका है, उससे लग जाता है। ठीक, तो हम बेटा n का मान रखेंगे बेटा कितना, 1000, और बेटा यहाँ पे क्या करेंगे, 1001 अपान में 2, बस इतना ही से करना था, सवाल लग जाएगा आपका। ये बेटा यहाँ से काटेंगे तो हमारे पास यहाँ पे जब करेंगे तो 500 आ जाएगा, इसमें जब इसका गुणा कराएंगे तो 2 0 हमें मिल जाएंगे, 5 मिल जाएगा, फिर 2 0 मिल जाएंगे, फिर ये मिल जाएगा। ये वाला जिसमें ऑप्शन है वो बेटा आपका राइट ऑप्शन है, और ये आपके पास जो ऑप्शन है वो पहले ऑप्शन में है, और आपका ए नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही है। अब बेटा देखो यहाँ से दिया गया है 2.5.0.6.8 अंकों की बनी 5 अंक के सबसे बड़ी संख्या और सबसे छोटी संख्या के बीच का अंतर कितना होगा, पुनरावर्तित अनुवाद नहीं है। ठीक, तो बेटा यहाँ पे आपको क्या करना है, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है कि आप अगर इन संख्याओं में हमारे पास जैसे ये दिया गया है 5 2 5 0 8 6, तो आप एक छोटा सा अनुमान लगाएंगे कि इसमें से बड़ी संख्या हम कौन सी बना सकते हैं, कौन सी संख्या बड़ी से बड़ी बना सकते हैं जिससे इससे अधिक बड़ी संख्या ना बने। तो सबसे पहले अगर हम 8 लिख लें, फिर बेटा 6 लिख लें, फिर यहाँ से 5 लिखें, 5 के बाद 2 लिखें, 0 लिखें, तो क्या इससे अधिक बड़ी संख्या कोई बना सकता है, नहीं बना सकते हैं ना। तो बेटा ये हमारी बड़ी से बड़ी संख्या हो गई। अब बेटा ये हमारी बड़े से बड़ी संख्या, इससे बड़ी संख्या इन अंकों से नहीं बन सकती है। ठीक, इसके बाद इसने कहा है कि आप न्यूनतम संख्या मतलब छोटी से छोटी संख्या कैसे बनाएंगे। तो बेटा अगर इसमें से पहले हम 0 लिखें, 2 लिखें, 5 लिखें, 6 लिखें, 8 लिखें, तो क्या ये संभव है कि 5 अंकों की संख्या है, नहीं है बेटा, क्योंकि ये वाला 0 अगर लग जाएगा तो ये संख्या 4 अंकों की बनेगी। कितने अंकों की बनेगी, 4 अंकों की। हमें क्या कह रहा है, 5 अंकों की संख्या चाहिए। तो हम क्या पहले 2 लिखें, 0 लिखें, फिर बेटा 5 लिखें, फिर आपका 6 लिखें, 8 लिखें, ये संभव है। अब बेटा इसका अंतर पूछा गया है, यहाँ बेटा 10 हो जाएगा, 10 में से 8 जाएगा, 2 बचेगा, यहाँ बेटा 11 हो जाएगा, 11 में 6 जाएगा, तो यहाँ 5 बचेगा, यहाँ बेटा 14 हो जाएगा, 14 में 5 जाएगा, 9 बचेगा, यहाँ 5 बचा होगा क्योंकि इसने इसको कैरी दिया होगा, तो 5 आ जाएगा, यहाँ बेटा 6 आ जाएगा, तो 65
1952 किसी में आंसर है? तो बेटा 65952 आपका ये वाला सी नंबर ऑप्शन है, वो बिल्कुल सही आंसर है। ठीक ना, तो आप लोग समझ पा रहे हैं बेटा। पढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। यदि यक्स तथा वाई एक संख्या है और 347 यक्स वाई दो अंकों की इस प्रकार संख्या है, किसी संख्या में 80 से पूर्णतया विभाजित है, तो एक्स प्लस वाई का मान क्या होगा? तो बेटा इसको लगाने के लिए आपको बस छोटा सा तरीका यूज करना है, जैसे हम लोग अभी तक भाग देते चले आए हैं उस तरीके से इसको डिवाइड करना है। सबसे पहले आप क्या करेंगे बेटा, यहाँ से ये अंक ऐसे करके लिख लेंगे। ठीक, ये संख्या 80 से पूर्णतया विभाजित है, विभाजित है तो मतलब इसको 80 से भाग जाना चाहिए। तो हम लोग क्या करेंगे बेटा, ये देखो पहले देखो 8 चौक कितने होते हैं, 32। मतलब 80 का पहाड़ा आपको नहीं आता, लेकिन 8 का पहाड़ा आता है। लास्ट वाले अंकों से हम लोग मैच कर लेंगे, एक जीरो लगाना है लगा लेंगे। तो बेटा यहाँ 8 चौक 32। अब बेटा यहाँ से इसको घटाएंगे तो ये 7 आ जाएगा, यहाँ से बेटा कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। अब फिर ये बेटा 4 टाइम में गया। अब समस्या है कि अब हम अंक किसका उतारेंगे, एक्स का, तो यहाँ पे एक्स लिख लें। फिर देखो यहाँ से 8 त्रिक 24 होता है, 8 चौक 32, मतलब ज़्यादा हो जाएगा, हमको कम चाहिए। तो हम लोग कितने टाइम भाग देंगे इसका, 3 टाइम, तो 8 त्रिक 24। अब बेटा यहाँ से हमारे पास 3 आ जाएगा, यहाँ पे एक्स आ जाएगा और यहाँ पे वाई आ जाएगा। अब ये देखो बेटा ये लास्ट डिजिट बचा है, मतलब अब यहाँ से संख्या पूरी पूरी डिवाइड हो जानी चाहिए। तो 8 के पहाड़े में 3 जो आपका सैकड़े के अंक में आता है, तो 8 चौक 32 होते हैं बेटा। तो हम लोग अगर यहाँ पे 8 चौक 32 कर दें तो बेटा वाई का मान हमारे पास 2 दिख रहा है, और वाई का मान हमारे पास 0 दिख रहा है, और एक्स का मान 2 दिख रहा है। तो ये संख्या यहाँ से हमारे पास पूरी पूरी डिवाइड होती दिख रही है। अगर हमने वाई का मान 2 रखा है, एक्स का मान 2 रखा है और वाई का मान 0 रखा है, और इनका योग पूछा गया है। क्या पूछा गया है, एक्स प्लस वाई। तो एक्स प्लस वाई अगर 2 और 0 जोड़ेंगे तो हमारे पास कौन सा अंक आएगा, 2 आ जाएगा। तो आपका कौन सा आंसर सही है, ए नंबर, मतलब 2 आएगा। इतनी बात आप समझ पा रहे हैं बेटा, कोई समस्या नहीं। यहाँ पे पूछा गया था यदि एक्स वाई एक संख्या है जिसमें 347 एक्स वाई को 2 अंकों से इस प्रकार विभाजित किया गया है कि किसी संख्या में 80 से पूर्णतया विभाजित हो जाए, तो भाग देने की जो प्रक्रिया है हम लोग इसी तरीके से भाग देंगे। पहले ये 4 टाइम जाएगा, फिर 3 टाइम में जाएगा, फिर यहाँ से एक वैल्यू निकल के आ जाएगी वाई की, एक्स रखेंगे, फिर उतारे लेंगे वाई का। ये संख्या लास्ट में पूरी पूरी डिवाइड हो जाएगी। डिवाइड होने पे यहाँ पे ये 4 टाइम जाएगा, मतलब अगर वाई एक्स की जगह पे 2 रख दें, वाई की जगह 0 रख दें, तो ये संख्या पूरी पूरी डिवाइड हो रही है। इनका मान पूछा गया था हमारे पास एक्स और प्लस वाई का, तो एक्स की वैल्यू हमारे पास 2 निकली है, वाई की वैल्यू हमारे पास 0 निकली है, इनको जोड़ेंगे तो 2 आएगा। वो वाला आपका आंसर बिल्कुल सही है। ठीक, इतनी बात बेटा समझ पा रहे हैं। सब कर दें, नंबर 72। हाँ तो ऐसे भी कर सकते, तो अभी बता देंगे यार, उसको हटाओ, इसको कुछ ना करना, वो हटा देना बस।
उतना हम कह देंगे, छोटा सा एक इसका और भी तरीका है। हाँ बस बस यहीं तक बना रही, जीरो जीरो गया। ठीक, अब यहाँ चलो हम कह देंगे इसको, हाँ तो इतनी बात बेटा समझ में आए। इसको आप एक छोटे तरीके से और लगा सकते हैं, जैसे ये 80 से डिवाइड होने वाला है, तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं 7xy और 80, मतलब इसमें अगर 10 का गुणा कर देंगे तो 80 आ जाएगा ना। तो ये बेटा 8 से डिवाइड होने के जो नियम हमने बताए हैं कि लास्ट के 3 डिजिट अगर ये संख्या को डिवाइड कर रहे हैं तो वो संख्या डिवाइड हो जाएगी। यहाँ पे 7 दिख रहा है, मतलब अगर 8 9 72 होता है, 72 का मतलब 0 आपको लगाना ही है क्योंकि 10 के पावर में है ये यहाँ से, तो ये वाली संख्या देखो 8 से पूरी पूरी डिवाइड हो रही, तो क्या हम x का मान 2 निकाल सकते हैं, y का मान 0 निकाल सकते हैं, इनका योग जोड़ने पे हमारे पास यही बात आ रही ना। तो आप इस तरीके से भी लगा सकते हैं बेटा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। 1 की पावर 3 प्लस 2 की पावर 3 प्लस 3 की पावर 3 डैश डैश करके 10 की पावर 3 का मान क्या होगा? तो इसमें बेटा कुछ नहीं करना होता है, आप एक नॉर्मल सा इसमें एक फार्मूला यूज करते हैं हम लोग, ये पूरे का होल स्क्वायर होता है। ठीक, अब बेटा इसमें करना क्या है बेटा, ये हमारे पास लास्ट का डिजिट और यहाँ से इतना डिवाइड में 2 पूरे का होल स्क्वायर, ये बेटा यहाँ से कट जाएगा 5 टाइम में, इसका गुणा करना है। ये हमारे पास लिखा गया है 55 की पावर 55 में, मतलब इसका अगर जो गुणा कराएंगे, जब भी कभी 5 लास्ट में आ जाता है तो हम लोग क्या करते हैं, लास्ट वाले का पूरा पूरा गुणा लिख देते हैं, 5 के आगे जो संख्या आती है 6 उससे आपस में गुणा कर देंगे, तो ये 30 25 आ जाएगा, और 30 25 हमारा जो है वो ए नंबर में सही है बेटा। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। 4 लगातार विषम संख्याओं का औसत 40 है, विषालतम संख्या कौन सी होगी? औसत है बेटा, और यहाँ से देखो विषम संख्या दी गई है, तो ऐसे क्वेश्चनों को करने के लिए बेटा यहाँ पे क्या करना है, ये जो औसत दिया गया है ये हमारे पास 40 दिया गया है, मतलब ये हमारी जो 40 संख्या है ये मध्यमान है। मध्यमान मतलब विषम संख्या दी गई है, तो बेटा 2 संख्याएं आपकी इधर संख्याएं होंगी और 2 संख्याएं आपकी इधर संख्या, इस संख्या से कोई मतलब नहीं है क्योंकि ये संख्या सम है और हमें विषम संख्या ज्ञात करनी है। तो 40 के इधर हमारे पास जब बढ़ेंगे तो 41 आ जाएगा, 41 के इधर विषम संख्या बढ़ेंगे तो 43 आ जाएगी। अगर छोटी संख्या के तरफ हम लोग जाते हैं तो बेटा ये 39 आ जाएगी, फिर बेटा यहाँ से 37 आ जाएगी। हम लोग देख पा रहे हैं कि इसमें सबसे बड़ी संख्या कौन सी है, तो हमारे पास विषम संख्या जो सबसे बड़ी संख्या है वो 43 संख्या है, तो यह आपका यहाँ से डी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा, और ये हमारा मध्यमान है, इससे कोई मतलब नहीं, हमें 4 संख्याएं लेनी है, आपके पास 2 संख्याएं इधर हो जाएंगी 2 संख्याएं इधर हो जाएंगी, बस इतना ही समझना है इसमें कौन सी विषम संख्याओं में बड़ी संख्या है, 43 बड़ी संख्या है, बस बेटा इतना ही समझना था। स्टार का न्यूनतम मान कितना रखा जाए कि 151 स्टार 603 संख्या 9 से पूरी विभाजित हो जाए? तो बेटा ऐसे क्वेश्चनों के लिए हम लोग क्या करते हैं, जैसे हमारे पास दिया गया है 4 5 1 स्टार 6 0 और 3, 9 के जो डिबिलिटी के नियम हैं वो बेटा नियम ये कहता है कि अगर संख्या का योग
नौ से डिवाइड है, संख्या का योग नौ से डिवाइड है, तो वो संख्या पूरी पूरी नौ से डिवाइड हो जाएगी। तो हम लोग इसको जोड़ेंगे बेटा, चार पाँच कितने होते हैं, नौ, नौ एक दस, दस और छः कितने होते हैं, सोलह, सोलह में जीरो जोड़ेंगे तो सोलह ही रहेंगे, और सोलह में तीन और जोड़ेंगे तो हमारे पास कितना हो जाएगा, उन्नीस। अब बेटा देखो, ये उन्नीस हुआ, अब बेटा प्लस यहाँ से जो संख्या का मान जोड़ना है, तो यहाँ से देखिएगा, नौ के पहाड़े में कौन सी आती है, नौ दुनी अठारह और नौ त्रिक सत्ताईस। नौ त्रिक सत्ताईस का मतलब ये हुआ कि आगे वाली संख्या में हमारे पास सत्ताईस मिलना चाहिए, कितना मिलना चाहिए, सत्ताईस। तो हमारे पास आगे वाली संख्या में अगर हम आठ प्लस कर देते हैं तो यहाँ पे 27 आ जाएगा, और ये संख्या 9 से पूर्णतया डिवाइड है, तो हमारे पास जो स्टार का मान आ जाएगा वो बेटा कौन सा अंक आ जाएगा, 8 आ जाएगा। तो इतनी बात आप लोग बेटा समझ पाए। हाँ वैसे भी दो बारह में बता कह देंगे। कर देंगे हाँ। इसमें बेटा एक और छोटा सा तरीका है, उसको अगर आप कर सकते हैं तो इससे भी आसान तरीके से लग जाएगा। सबसे पहले बेटा यहाँ से देखिएगा, ये चार लिखा गया है, ये पाँच लिखा गया है, ये वन लिखा गया है, ये स्टार लिखा गया है, ये छः लिखा गया है, ये जीरो लिखा गया है। यहाँ पे नौ से डिविटी के नियम में जो बताया था मैंने, ये योग अगर नौ से डिवाइड कर सकते हैं तो यहाँ भी आप क्या कर सकते हैं, जो संख्या नौ से कट रही है उसको काट दें। जैसे ये हमारे पास संख्या कट रही है, ये संख्या हमारे पास चार, चार कट रही है, चार और ये पाँच नौ होता है कट जाएगा, यहाँ पे छः और तीन नौ होता है कट जाएगा। अब हमारे पास एक बचा, जीरो बचा, तो अब हम इसमें क्या जोड़ दें कि संख्या नौ से डिवाइड हो जाए, तो एक में अगर हम आठ जोड़ देंगे, कितना जोड़ देंगे, आठ जोड़ देंगे एक में, तो संख्या नौ ला देगी, नौ संख्या मतलब इससे डिवाइड हो जाएगी, मतलब स्टार की जगह पे अगर हम आठ रख देंगे तो संख्या कट जाएगी। ठीक ना बेटा। अब सिंपल सी बात यह है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। एन को चार से विभाजित करने पर शेष तीन रहता है, टू एन को चार से भाग देने पर क्या शेष बचेगा? तो सबसे पहले समझने वाली बात यह है, एन को जब हम चार से भाग दे रहे हैं, कितने से बेटा भाग दे रहे हैं, तो हमारे पास शेष कितना बच रहा है, तीन बच रहा है, कितना बच रहा है, तीन बच रहा है। अब बेटा एन का एक ऐसा मान रख लो, ऐसा छोटा मान रख लो कि चार से भाग देने पे हमारे पास कितना बचे, तीन बचे। जैसे कि हम अगर सात रख लें तो हम चार से भाग देंगे तो शेष में कितना बचेगा, तीन बचेगा। अगर इसी में हम 15 अगर बढ़ते क्रम में रख दें, कि कोई बच्चा कहता है कि हम सात ही क्यों रखें, तो 15 भी रख सकते हो बेटा, ऐसी कोई बात नहीं। यहाँ से सात चौक ये चारते हैं 12 हो जाएगा, 12 में तब भी तीन बचेगा। तो हमने कहा है बेटा छोटा मान रख लेंगे तो हमारे पास आसान रहेगा, इससे भी लगाएंगे तो भी आ जाएगा, इससे भी लगाएंगे तो भी आ जाएगा। यहाँ पे कहा गया है संख्या 2n, मतलब जब टू का, जब एन का मान 7 रखा गया है तो यहाँ पे इसका गुणा करा दीजिएगा, तो संख्या कितनी आ जाएगी, 14 आ जाएगी। अब कहा गया है संख्या इसको चार से भाग देंगे, तो अगर बेटा इसमें चार से भाग दिया जाए तो चारते हैं 12, जो रिमाइंडर में बच रहा है वो कितना बच रहा है, दो, कितना बच रहा है, दो। तो हमारे पास कौन सा ऑप्शन सही है बेटा, ए नंबर, मतलब कितना बचेगा, आप इससे भी लगाएंगे तो भी लग जाएगा। आपने यहाँ पे एन का मान छोटा सा एक रख लिया 7, 7 को अगर चार से भाग देंगे तो तीन बचेगा, संख्या में कहा गया है 2n।
2n को मतलब 7 दूनी 14, 14 को अब 4 से भाग देंगे तो बेटा कितना बचेगा, 2 बचेगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अब बेटा यहाँ से पूछा गया है 1 की पावर 2 प्लस 2 की पावर 2 प्लस 3 की पावर 2 डैश डैश करके यहाँ से 14 की पावर 2 का मान क्या होगा। तो यहाँ पे हमने आपको बताया है कि बेटा यहाँ पे एक फार्मूला चलता था, वो हमने आपको लिखा दिया है, चाहें तो आप भी नोट कर सकते हैं। और इस फार्मूले से आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। यहाँ पे आप 14 लिखेंगे, फिर बेटा यहाँ पे 15 हो जाएगा, फिर यहाँ से आप क्या करेंगे, 14 दूनी 28, 1 29 और अपान में 6। अब इसको सॉल्व करना है, ये बेटा 3 से कट जाएगा, 3 दूनी 6, 3 5 15, ये बेटा यहाँ से काटेंगे तो 7 आ जाएगा, 7 5 35। बस आपको क्या करना है, 29 में सॉरी 35 का गुणा करा देना है। तो 5 नवा कितने होते हैं, 45, 5 दूनी 10, ये इतना आ जाएगा बेटा यहाँ से, 9 3 27 और 3 दूनी 6 और 6 2 कितने होते हैं, 8, यहाँ से 5 आ जाएगा, ये 11 आ जाएगा, यहाँ से आपका 9 हो जाएगा और 10, यहाँ से इतना आना चाहिए। ये हमारे पास जो ऑप्शन है वो बेटा ए नंबर सही है। कौन सा सही है, ए नंबर। बढ़ते हैं बेटा अगले क्वेश्चन की तरफ। अब बेटा इसमें देखो बताया गया है, एक परीक्षा में ए और बी के अंकों का योग है हमारे पास कितना, 120। बी और सी का जो है 130 है तथा सी और ए का है 140, तो सी के अंकों का योग बताना है। तो बेटा यहाँ पे क्या करते हैं, हमारे पास जैसे देखो ये हमारे पास ए प्लस बी का जो दिया गया है वो बेटा 120 दिया गया है। कितना दिया गया है, 120 दिया गया है। अब बेटा यहाँ से हमारे पास बी और सी का जो दिया गया है वो 130 दिया गया है, 130 दिया गया है, और सी और ए का जो मान दिया गया है वो बेटा 140 दिया गया है। कितना दिया गया है, 140। अपने पास जो क्वेश्चन मार्क है वो बेटा किस पे है, सी पे है। किस पे है, सी के अंकों का योग बताना है। तो ऐसे क्वेश्चन को करने के लिए बेटा आपको क्या करना होगा, जिसमें आपको सी ना दिखे उसको अलग कर लीजिएगा। तो हमारे पास ये वाले अंक जिसमें सी है, ये वाले अंक जिसमें सी है, जिसमें सी नहीं है उसको हमने अलग कर लिया। तो बेटा इनको आप जोड़ लीजिएगा, जोड़ने पे हमारे पास आ जाएगा 270। यहाँ पे आ जाएगा बी प्लस सी और प्लस सी प्लस ए। आपको ये सब लिखना नहीं है, बस आपको समझना है। यहाँ पे ये वाली वैल्यू ए बी की घटा दीजिएगा, ए बी की वैल्यू यहाँ से ए प्लस बी की वैल्यू यहीं पे घटा दीजिएगा। तो बेटा जो हमारे पास यहाँ वैल्यू आ जाएगी वो 2c के बराबर आ जाएगी। यहाँ पे 0 आ जाएगा, यहाँ पे आपका आ जाएगा 5 आ जाएगा, यहाँ पे 1 आ जाएगा, मतलब 150 आ जाएगा। 1c बराबर जब निकलेगा तो यहाँ से बेटा 75 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 75। जो हमारे पास राइट ऑप्शन में जो दिख रहा है वो कौन सा नंबर है बेटा, डी नंबर में है। किस में है बेटा, डी नंबर में। बस इसमें आपको समझना था कि आपके पास ए बी के अंकों का योग 120 दिया गया है, बी सी के अंकों का योग 130 दिया गया है और ए सी के अंकों का योग 140 दिया गया है। जिसमें जिस व्यक्ति को पूछा जाए और वो व्यक्ति उसमें ना हो उसको अलग कर लीजिएगा। फिर इसके बाद हम लोग देखते हैं बेटा, ये हमारे पास सी इसमें है, सी इसमें, इसको जोड़े तो हमारे पास 270 आया है। ए बी में सी नहीं है, ए बी इसको घटा लीजिएगा, 2c बराबर 150 आया है, 1c बराबर आपका 75 आएगा। तो आपका ऑप्शन ये डी नंबर हो जाएगा। इतनी बात आप लोग समझ पा रहे हैं बेटा, ठीक।
अब बेटा यहाँ पे देखिएगा, यदि 72^72 को 9 से द्वारा विभाजित किया जाए तो लुप्त स्टार का मान कौन सा अंक होगा? तो आपको अभी देखो हमने बताया था बेटा, यहाँ पे लिखा गया है 72^72, ये संख्या 9 से डिवाइड है, तो आप इन संख्याओं का योग करके भी निकाल सकते हो, अन्यथा जहाँ पे 9 योग मिल जाए जोड़ने पे वो संख्या आप काट भी सकते हो। यहाँ पे जैसे जोड़ेंगे तो 9 हो जाएगा, ये दोनों अंक कट सकते हैं, यहाँ पे जोड़ेंगे तो 9 हो जाएगा, ये अंक कट सकता है। अब बेटा यहाँ पे हमारे पास ये या तो 0 या तो 9, मतलब 0 भी रख देंगे या 9 रख देंगे। इसमें सी नंबर जो ऑप्शन अपने पास है वो आपका बिल्कुल राइट ऑप्शन है। ठीक, बढ़ते हैं बेटा अगले क्वेश्चन की तरफ। अब देखो बेटा यहाँ पे दिया गया है 729 × 562 प्लस 155 का इकाई अंक क्या है? तो सबसे पहले देखो इनमें क्या करेंगे, इकाई में इकाई का गुणा करा दीजिएगा, इकाई में बेटा इकाई का गुणा करा दीजिएगा, तो ये हमारे पास आ जाएगा 9 × 18, फिर बेटा 155 में ये वाले अंक जोड़ दीजिएगा, तो हमारे पास हो जाएगा 13। 13 में मतलब लास्ट डिजिट जो 3 है वो हमारे पास आंसर हो जाएगा, तो आपका ए नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। तो बढ़ते हैं बेटा अगले क्वेश्चन की तरफ। यदि संख्या 142n 12 से विभाजित है तो n का मान क्या होगा? तो ऐसे क्वेश्चन को करने के लिए बेटा हम लोग क्या करेंगे, इसको 12 से डिवाइड कर देंगे। 12 से डिवाइड करने के बाद में 12 एकम 12, ये 2 आ जाएगा, फिर बेटा 12 एकम 12, यहाँ 0 आ जाएगा, यहाँ 1 आ जाएगा, n रखेंगे। फिर देखो बेटा हमारे पास 12 नवैया होता है 108, कितना होता है बेटा 12 नवैया 108, तो बेटा यहाँ पे 108, यहाँ पे n का मान जो निकला है वो 8 आना चाहिए, कितना आना चाहिए 8, ये संख्या पूरी पूरी डिवाइड हो जाएगी, तो n का मान जो निकल के आया है बेटा वो कितना आया है 8, तो कौन सा ऑप्शन सही है? सी नंबर सही है। अब बेटा यहाँ पे देखिएगा दिया गया है 39,237 × 39,995 × 38,83 और 9 के गुणनफल में इकाई के स्थान पर अंकों अंक बताना है। अब बेटा यहाँ पे ऐसे क्वेश्चन को करने के लिए आप इकाई में इकाई का गुणा करा लीजिएगा, इकाई में इकाई का, जैसे ये संख्या का गुणा आप इसके साथ करा लीजिएगा, तो 7 पना कितना होता है बेटा, बाकी अंकों से हमें कोई मतलब नहीं, बाकी अंकों से हमें कोई मतलब नहीं, इसके वाले आगे वाले अंकों का मतलब नहीं, तो 7 पना कितना होता है 35, फिर एक गुणे का चिन्ह लगा लीजिएगा। ठीक, फिर बेटा इसका गुणा इसके साथ करा लीजिएगा 90 72, फिर इनका गुणा इनके साथ करा लीजिएगा, तो 5 × 10, 10 का मतलब लास्ट में जो आ रहा है वो 0 आ रहा है, लास्ट में जो आ रहा है बेटा क्या आ रहा है 0 आ रहा है, तो आपका इसमें बी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। हाँ आपने कहा कि आपको इकाई का मतलब यानी
वो अभी इसके बाद नहीं, मतलब इसी मेथड के बाद बताने वाले। हाँ, वो हमें मालूम, वो हम इसके बाद। इस सवाल को आप 10 सेकंड में कर सकते हैं। अब बेटा इसमें देखो, ये यहाँ पे हम लोग 30 लाए थे, यहाँ पे एक अंक छूट रहा था 30, तो इसमें क्या कर सकते थे, इसका को जब गुणा कराते तो 30 ही आता, मतलब 0 आ जाता। अब बेटा इसमें एक चीज़ और समझने लायक है, इसको इस तरीके से नहीं करना है, ठीक। आपको बहुत कम समय में पेपर निकालना है, और आप ये मान लीजिएगा 10 सेकंड के अंदर आप पेपर निकाल इस सवाल को कर सकते हैं। सबसे पहले देखो यहाँ पे, मतलब इसका तो हमें लास्ट अंक लेना है, इसमें भी लास्ट देखा 5 अंक मिला, इसमें 5 के साथ में आपके साथ में अगर 2 या 4 या 6 या 8, इनमें से कोई भी अंक आपको दिख जाए, तो हमेशा ऐसे क्वेश्चनों में हमेशा शून्य आता है। क्या आता है बेटा? तो शून्य। तो यहाँ पे आप अगर 5 के साथ में अगर कोई सम संख्या दिखती है तो आप हमेशा उसमें शून्य ही आएगा, ठीक। संख्या को 27, 36 से विभाजित करने पर शेष 75 आता है, यदि संख्या को 24 से विभाजित किया जाए तो शेष कितना आएगा। ऐसे क्वेश्चनों को बस समझना समझना है, यहाँ पे कोई संख्या है इससे हमने विभाजित की है तो यहाँ पे कितना आया है, शेष 75 आया है। कह रहा है इसी 75 को अगर हम 24 से डिवाइड कर दें तो 24 तिरका कितना होता है बेटा, 72। जो शेष बचेगा वो बताना था। तो आपको यहाँ पे जो ऑप्शन मिला है वो कौन सा मिला है बेटा, बी नंबर सही मिला है, ठीक। कौन सा? बिल्कुल, बस यहाँ पे आप कुछ करना नहीं था, 27, 36 को किसी संख्या से विभाजित किया गया था तो शेष कितना 75 बच रहा है, यदि उसी संख्या को 24 से विभाजित किया जाए तो शेष कितना बचना था, आप क्या करते, 24 से 75 को डिवाइड करते तो शेष 3 बच रहा है। आपके पास जो ऑप्शन है बी नंबर सही है। जब n को 6 से विभाजित किया जाता है तो शेषफल 4 आता है, जब 2n को 6 से विभाजित किया जाए तो शेष क्या आएगा। n कोई संख्या है बेटा, n कोई संख्या है, जब हम लोग 6 से डिवाइड कर रहे हैं 6 से, तो शेष 4 आ रहा है, कितना आ रहा है। अभी हमने बताया था कि आप ऐसा छोटा सा मान रख लीजिएगा जिसमें 4 आ जाए, तो हमने n का मान कितना रख लिया बेटा, 10 रख लिया, और इसको जब हम 6 से डिवाइड करेंगे तो शेष कितना आ जाएगा, 4। अब संख्या 2n को 6 से, मतलब n का मान कितना रखेंगे हम लोग, कितना रखेंगे बेटा, 10, तो 10 दूना कितना हो जाएगा, 20। 20 को अगर हम 6 से डिवाइड करते हैं, कितने से डिवाइड करते हैं, 20 को अगर 6 से डिवाइड कर रहे हैं तो 6 त्रिक कितना होता है बेटा, 18। शेष कितना बच रहा है, 2। तो आपके पास कौन सा ऑप्शन सही है, सी नंबर। अब बेटा देखो अगला क्वेश्चन जो दिया गया है, किसी संख्या को 56 से विभाजित करने पर शेष 29 आता है, यदि उसी संख्या को 8 से विभाजित किया जाए तो शेष क्या आया। अब बेटा यहाँ पे वही देखो क्वेश्चन, सेम क्वेश्चन है, कुछ नहीं करना है, शेष कितना बच रहा है बेटा, 29
29 बच रहा है, इसको अगर 8 से डिवाइड करेंगे तो 8 त्रिक 24, 24 का मतलब यहाँ पे जो शेष बच रहा है वो हमारे पास कितना बचेगा, 5। आप बिल्कुल कम समय में अच्छे से मतलब इस सवाल को कर सकते हैं, और इसको बस सवाल को समझना है आपको कि सवाल में क्या कह रहा है, करना क्या है। कुछ बच्चे बहुत सारे मतलब देख लेते हैं कि 56 से भाग देने पर शेष इतना बच रहा है, फिर यहाँ से ये लैंग्वेज नहीं समझ पाते हैं। अगर क्वेश्चन को आपको पढ़ना आ गया तो बेटा आप बहुत कम समय में सवाल लगा सकते हैं, ठीक ना। पच्चीस क्वेश्चन कराएं कि ज़्यादा कराएं, 25 आज कराएं, 25 कल कराएं, और इसके बाद अभी हम बोल देते हैं कुछ, इसके बाद बोल देते हैं कि हमारे चैनल को हैं ठीक। अब हाँ अच्छा, इसके बाद फिर बता देंगे अगला वीडियो कल, आप अभी बताए जाओ यार, मतलब इसके बाद आप अगला वीडियो हम हाँ अब बेटा देखो इसको समझने के लिए हम लोग जैसे मान लो हमने यहाँ से कर दिया, जो बच्चे हमसे पढ़ चुके हैं पहले से वो चीज़ें जानते हैं कैसे क्या करना है, जो बच्चे हमारे चैनल पे हैं अभी उनको ये नहीं समझ में आ रहा कि ये किया क्यों जाता है, ठीक। तो समझते हैं कुछ लोग, लेकिन कुछ लोग नहीं समझ पाते हैं, इसलिए इसको देखो समझना क्या है। जैसे मान लो हमने कोई संख्या यहाँ पे एक्स मान ली और इसको हमने 56 से भाग दिया, तो मेरे पास जो शेष एक्स का मान आया इसको 8 से भाग देना है, मतलब यहाँ पे जो इनके बीच जो आया था वो 29 आया था, कितना आया था, 29 आया था। 29 का मतलब ये 8 से अभी बड़ा है, तो हम इस एक्स को भाग ना दे के यहाँ से सीधे इससे भाग दे दें, तो यहाँ पे हमारे पास जब इससे भाग देंगे तो 8 त्रिक 24 होता है, 5 आ जाता है। अब बेटा हम लोग मिलते हैं अगले वीडियो में, और हमारे अगले वीडियो मिलने के लिए मतलब हम बहुत जल्द आपके पास अगली सीरीज लाएंगे, और इसके लिए आप जुड़े रहने के लिए हमारे टेलीग्राम चैनल पे ज्वाइन कर सकते हैं, इसको वीडियो को लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं, और एडी स्मार्ट क्लासेस बिल्कुल आपके लिए बिल्कुल फ्री लाया है, फ्री ऑफ कॉस्ट, और आप उन गरीब बच्चों के लिए हमारी सुविधाएँ हैं जिन बच्चों के पास कभी कभी ये सुविधाएं नहीं मिल पाती हैं, तो एडी स्मार्ट क्लासेस सभी गरीब बच्चों के लिए फ्री निशुल्क क्लासेस दे रहा है। हमारे चैनल पर जुड़े रहने के लिए आप एडी स्मार्ट क्लासेस पे आइएगा, और हमारे टेलीग्राम पे आपको पीडीएफ भी मिल जाएगी, और अन्य कोर्सों के लिए आप संपर्क कर सकते हैं, इनमें नंबर लिखे होंगे एडी स्मार्ट क्लासेस के, आप उस पर कॉल कर सकते हैं, पूरी जानकारी ले सकते हैं, नए बैच ले सकते हैं, और थैंक यू।